नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में कब, कहां और क्या चल रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के किस्सों का डेली रैप, जिसमें हम आपको हर दिन बॉलीवुड से जुड़ी 5 खबरें बताएंगे। आज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं, जो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर काफी सुर्खियों में है। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट हीरा मंदी है। बता दें, ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। इस सीरीज के जरिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली OTT पर अपना डेब्यूट भी करने जा रहे हैं। जिस हीरा मंदी पर ये वेब सीरीज बनाई जा रही है, वो पाकिस्तान के लाहौर में है। इस सीरीज के जरिए हीरा मंदी में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी को संजय लीला भंसाली बड़े पर्दे पर उतारेंगे। आपको बता दें कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस वेब सीरीज में रेखा मुख्य किरदार में नजर आने वाली है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने रेखा के लिए एक स्पेशल रोल प्लान किया है। इस बीच एक खबर भी आई कि अपने जमाने की शानदार एक्ट्रेस रही मुमताज हीरा मंदी से बॉलीवुड में वापसी कर सकती हैं, लेकिन इस खबर को मुमताज ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि अब संजय लीला भंसाली की मुमताज और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ये दोनों एक्ट्रेस हीरा मंडी में नजर आ सकती हैं। दूसरी खबर बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह से जुड़ी है। पहले तो वो कॉफी विद करण के सीजन 7 में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासों की वजह से छाए हुए थे। फिर उनका नाम बिग बॉस OTT को होस्ट करने के लिए भी सामने आया था। इसके बाद अब खबर आ रही है कि वो फिल्म शक्तिमान में गंगाधर का रोल निभाने वाले हैं। कुल मिलाकर वो अपने प्रोफेशनल कामों की वजह से चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब उन्होंने मुंबई के बांद्रा रेजिडेंशियल टावर सागर रेशम में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीद लिया है। ये अपार्टमेंट 119 करोड़ का है। खास बात यह है कि ये टावर शाहरुख खान के मन्नत और सलमान के गैलेक्सी के बीच में है। ऐसे में ये तीनों सुपरस्टार पड़ोसी बन जाएंगे, क्योंकि सबके घर अगल बगल में है। अब आते हैं अपनी तीसरी खबर पर। तो तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही हैं उर्फी जावेद, जो कि अक्सर अपने बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। कभी उनकी ड्रेसिंग सेंस की लोग तारीफें करते हैं, तो वहीं कई बार वो अपने फैशन सेंस के चक्कर में ट्रोल भी हो जाती हैं। हाल ही में कॉफी विद करण में रणवीर सिंह ने उर्फी जावेद को फैशन आइकॉन का टाइटल भी दिया था। अब एक बार फिर से अपने कपड़ों के एक्सपेरिमेंट को लेकर उर्फी जावेद ट्रोल हो रही हैं। बता दें कि उर्फी जावेद अपने ईद लुक को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस बार उर्फी जावेद ने कई दिनों बाद ट्रेडिशनल लुक ट्राई किया था। चौथे नंबर पर सोनम कपूर हैं। सोनम इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी को लेकर लगभग हर दिन ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी रहती हैं। इस बार सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा की अस्पताल वाली एक तस्वीर वायरल हुई है। इस फोटो में सोनम अस्पताल में बेड पर लेटी हुई नजर आ रही है। सोनम ने एक बच्चे को भी गोद में उठा रखा है। वहीं दूसरी फोटो में सोनम कैमरे की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि सोनम के साथ इस बच्चे की ये तस्वीर फेक है। सोनम की अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई है। सच तो ये है कि सोनम की इस फोटो को एडिट करके उनकी दूसरी तस्वीरों से जोड़ा गया है। अब आते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। इंडिया के सबसे बड़े एडवेंचर रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज जर्नी इन साउथ अफ्रीका का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। रोडीज के इतिहास में ये पहली बार होगा जब दो विजेताओं को एक साथ चुना गया है। कई हफ्तों की चुनौतियां, एलिमिनेशन, ट्विस्ट एंड टर्न के बाद दक्षिण अफ्रीका में फिल्माए गए शो की ट्रॉफी पर दो दोस्तों की जोड़ी, यानी कि आशीष भाटिया और नंदिनी ने अपना नाम कर लिया है। नए सीजन के अल्टीमेट चैंपियन को उनके फैंस खूब बधाई दे रहे हैं। पहली बार रोडीज का पूरा सीजन साउथ अफ्रीका में शूट किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए रोज देखते रहें बॉलीवुड रैपअप TV 9 डिजिटल पर मेरे साथ।